हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। और अब बज गए हैं दोपहर के 11:30 और अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि आज एंजेल जल्दी आ जाए इसी स्कूल से और वो खाना मांगेगी। तो अब बनाते हैं हम अरहर की दाल और चावल, तो चलते हैं और करते हैं खाने की तैयारी। फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पर चावल भिगा के रखे हैं और अरहर की दाल, तो आज मैं बनाऊंगी अरहर की दाल और चावल। फ्रेंड्स, दाल मेरी पक चुकी है, अब इसमें धर लगा रही हूँ मैं तड़के की, कर रही हूँ तैयारी। और यहाँ पे तड़का लगेगा और तड़के में डलेगा प्याज टमाटर। इधर पे देखते हैं, ये प्याज टमाटर या हरी मिर्च डाल काटूंगी। अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये जो साबुत लाल मिर्च है इसका मैं इसके अंदर काट के डालूंगी और लगाऊंगी इसका तड़का, एकदम जैसे कि होटल में लगाते हैं बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे यहाँ अरहर की दाल को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी उसको इस तरीके से बना रही हूँ। नमक मिर्च इतना अच्छी तरह मैंने डाला है अधिक ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि उसको सब पसंद करने लगे और वो थोड़ा टेस्टी बने, क्योंकि सब अरहर की दाल खाते हुए बड़ा बहुत ही ज़्यादा बोर होते हैं, खाना पसंद नहीं करता है हमारे घर में कोई। लेकिन रोज़ पसंद की चीज़ें नहीं बनाई जाती, पसंद हो किसी को वो भी बनानी पड़ जाती हैं। और मैं कुछ इस तरह से इसको काट लूँगी और मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है। तो फ्रेंड देखिए, तड़का मेरा हो गया तैयार। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसको डाल दूंगी इस दाल के अंदर। ये दाल देखिए, दाल बन चुकी है एकदम बढ़िया, तैयार हो गए हैं, बन के हो गए हैं खाना तैयार। अब तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ कमरे में और मुझे ठीक करनी थी चादर। बच्चे चले गए थे स्कूल में पर ये चादर नहीं बिछी है, ठीक नहीं हुई है सुबह से, तो मैंने सही अब सही कर देती हूँ। तो ये गरम चादर जो कि छोटी साइज में आती है बहुत ही ज्यादा, ठीक करना बहुत मुश्किल है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिवांस को यहाँ पर सुला दिया है और मैंने कुछ इसे इस तरह से पैक किया है यहाँ पे ब्लैंकेट लगा के बराबर में, ताकि उसे बिल्कुल भी ये ना लगे कि उसकी मम्मी उसके पास नहीं है। देखिए तो बिल्कुल चिपक के सो रहा है तो मुझे सिवांस को कुछ इस तरह से सुलाना पड़ता है, रेडी करके एकदम से बिल्कुल ही साइड वाइड में कपड़ा लगा के, तो ऐसे सुलाती हूँ मैं उसको, ताकि उसे बिल्कुल भी फील ना हो कि उसके पास कोई नहीं है और वो आराम से सो जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिवांस के आ गए हैं मज़े, क्योंकि खेलने के लिए मिल गए हैं सिवांस को गेहूं, और ये गेहूं फेंक फेंक के मार रहा था अभी। ये देखिए कहाँ फेंकने आया इतनी दूर। आज मम्मी जी ने धोए थे गेहूं और इसके आ गए मज़े। सिवांस क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो आप? हो ऐसे नहीं करते, अम्मा करेगी पिटाई। ये देखो सिवांस कबूतर, अरे सिवांस कबूतर, बाबू क्या कर रहे हो? ये ले इतने मजे, क्या कर रहे हो? नहीं, इसने फेंक दिया सारे में गेहूं। गेहूं ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो शिकायत लगाने गया बाबू ऐसे नहीं करते, सोना नहीं करते। हाँ
बाबू नहीं नो मानोगे नहीं नहीं मानोगे खिंडाले खिंडाले बच्चा खिंडाले खिंडाले अच्छा खूब बखेर बखेर खूब हाँ बखेर खूब खूब बखेर ये खूब बखेर अच्छा लग रहा बेटा अम्माई करेगी सब करते अम्मा भी करने बनाएंगे फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को आज यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। ताकि आप और अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो भी, नहीं अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।